बुक्स रिपीट रे आज आम पढ़ा अष्टम अध्याय परिस्थान। आम परिस्थान क्या को कहिबा ना आम जोठे बास करू बा प्राणी और उद्भिद जोठे बास करे तार चारिपाख को आम परिस्थान बोली थाउ। ए जंगल जीवजंतु मैंने कौटी बास करती जंगल बास करती तो ये जंगल को कौन कहे से परिस्थान बोली कह जाए। ये जंगल चारिपाख को परिस्थान बोली कह जाए। जलचर उद्भिद मान प्राणी और उद्भिद मैंने कौन बास करती ना पानी पानी भितर बास करती तो यह कौन परिस्थान बोली कह जाए। से मनुष्य जोठे बास कै मनुष्य के बास कै घर बास कै तो तार चारिपाख को जोठे से रहे तार चारिपाख को परिस्थान बोली कही था। विषय सूची परिस्थान कौन परिस्थान जैविक कारक परिस्थान अजैव कारक विभिन्न प्रकार परिस्थान जीव और सेमानक उपयोजन मरुज प्राणी जलज प्राणी लता जातीय दुर्बल उद्भिद इत्यादि आम यही परिस्थान विषय आम आज पढ़ा। उद्भिद और प्राणी बासस्थान और तार चारिपाख को परिस्थान बोली कहती। उद्भिद और प्राणी जोठे बास करती से तहार चारिपाख को परिस्थान बोली कही था। गोटे परिस्थान अनेक प्रकार प्राणी और उद्भिद बास करती। गोटे परिस्थान विभिन्न प्रकार प्राणी एवं उद्भिद मिसिकी बास करती। परिस्थान को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कर गोटे हूँ जैविक कारक अन्यटी हूँ अजैव कारक। जैविक कारक को तीनोटी भाग में विभक्त कर उद्भिद प्राणी अणुजीव यही तीनोटी भाग में विभक्त कर उद्भिद हूँ उत्पादक प्राणी भक्षक अणुजीव अपघटक। अजैविक कारक को अजैव कारक को पांचटी भाग में विभक्त कर गोटे हूँ तापमात्रा भूमि वायु जल आलोक। उद्भिद जैविक कारक उद्भिद यही उद्भिद को तीनोटी भाग में विभक्त कर गोटे हूँ मरुज आर्द्रभूमिज जलज एवं प्राणी को जलचर स्थलचर उभयचर इत्यादि तीनोटी भाग में विभक्त करा जाइछि। तुम्हें तुम गाँ कि तुम्हें रोकवा अंचल पोखरी बा गाड़िया देखि तुम्हें जोठे रोच से ही अंचल पोखरी देखि गाड़िया देखि जंगल अनेक जीव रोकवा शुनी तुम्हें मैंने जंगल विभिन्न प्रकार जीवजंतु रहती तुम्हें मैंने जाच शुच कहीपर कि पोखरी गाड़िया और जंगल क्यों क्यों जीव रहा पोखरी गाड़िया एवं जंगल इत्यादि क्यों क्यों जीव रहा ना पोखरी में मछ रहे कईच रहे गेंडा रहे चिंगुड़ी इत्यादि विभिन्न प्रकार जीव रहा जंगल बाघ भालू हाथी हरिण सिंह इत्यादि विभिन्न प्रकार जीव रही था। पोखरी किंबा गाड़िया रोकवा जीव मानकर एक तालिका प्रस्तुत करी केऊ माने उद्भिद और केऊ माने प्राणी चिन्हट करी सारणी प्रस्तुत कर। जीव मानकर तालिका हूँ कौन ना माछ बिलाती दल साप चिंगुड़ी पद्म। माछ हेउची प्राणी बिलाती दल उद्भिद साप हेउची कौन प्राणी चिंगुड़ी हेउची प्राणी पद्म हेउची उद्भिद। परिस्थान कौन प्रत्येक जीव हेउची जीव जगतर एक जैविक एकक। आमर जत्ते प्रकार जीव अछंदी बा प्रत्येक जीव हेउची जीव जगतर एक जैविक एकक। जैविक पदार्थर समाहार रे सेमानकर शरीर गठित। जैविक पदार्थर समाहार रे कौन सेमानकर शरीर गठित होइछि से ताहार निर्दिष्ट परिस्थान रे बास करे। जीव कौन करे ना से तार निर्दिष्ट परिस्थान रे बास करिथाय। उद्भिद और प्राणी उभय समान प्रकार मौलिक उपादान द्वारा गढ़ा होइथिले हे सेमानकर शरीर गठन अलग अलग। से माने जदि गोटिए प्रकार मौलिक उत्पादन रे गढ़ा होइथिले मध्य सेमानकर शरीर गठन कौन अलग अलग होइथाय। आस जानिबा एही परिस्थानटी कौन उद्भिद और प्राणी मानकर बासस्थान और तार चतुर्पाश्व को परिस्थान कही था। उद्भिद और प्राणी माने जोठे बास करती ताहार चारिपाख को परिस्थान बोली कही था। परिस्थान हेउची परिवेशर एक अंश विशेष यह विभिन्न भिन्न उत्पादन को नहीं गठित। परिस्थान दुईटी उत्पादन रे गठित। परिस्थान को मुख्यतः दुईटी भाग में विभक्त कर गोटे हूँ कौन
जैविक अन्यटी होउछि अजैविक। तुम्हें देखिथिबा पोखरी और गाड़िया रे ए दुईटी कारक रही थांती। तुम्हें जो सब पोखरी बा गाड़िया रे जहाँ सब देखी छो से कौन ए दुईटी कारक रही थांती। जैविक जेकोणसी परिस्थानर जैविक कारक को तीनोटी भागरे विभक्त कर गोटे होउछि उत्पादक बा सबुज उद्भिद, भक्षक बा प्राणी, अपघटक बा केतक जातिर मृतभोजी अणुजीव। उत्पादक बा सबुज उद्भिद माने कौन निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती। उत्पादक बा सबुज उद्भिद माने कौन करती निज खाद्य को निजे प्रस्तुत करिपारंती। सेहिपरि भक्षक माने दुई प्रकार अच्छा गोटे हूँ तृणभोजी बा शाकाहारी और अन्यटी हूँ मांसाशी। अणुजीव अति क्षुद्र खाली आखिरे देखा जाती ना। अणुजीव माने कौन एत क्षुद्र जहाँकि आमको खाली आखिरे देखा जाती ना। अधिकांश अणुजीवंर निजपी खाद्य प्रस्तुति क्षमता न थाए। अधिकांश अणुजीव अच्छा जार कौन निजे निजर खाद्य प्रस्तुति करपारती क्षमता से मेरे न थाए। से मैंने परजीवी कि मृतोपजीवी भाव से मान खाद्य संग्रह करपरी खाद्य संग्रह करती से परजीवी किंबा मृत भोजी भाव से परिस्थान कौन करते खाद्य संग्रह करती। विशेषतः मृत भोजी अणुजीव माने जीव शरीर आवश्यक उपादान ग्रहण करती और परिवेश को जबखराजान अम्लजान और अन्यान पोषक पदार्थ त्याग करती। ताहा पुनर्बार उद्भिद माने ग्रहण कर निजर वृद्धि और विकास लगाती। एथिपाई मृतभोजी अणुजीव को अपघटक मध्य कुहा जाए। से अपघटक कहीं कह जाए ना से मृतभोजी अणुजीव माने जीव शरीर आवश्यक उपादान ग्रहण करती एवं परिवेश को जबखराजान अम्लजान और अन्यान पोषक पदार्थ कौन त्याग करती। ताहा पुनर्बार से जो त्याग करते अम्लजान जबखराजान जो सब त्याग करते कौन कर पुनर्बार उद्भिद मैंने ग्रहण करती। उद्भिद मैंने ग्रहण कर निजर वृद्धि और विकास लगाती। से मृतभोजी अणुजीव को अपघटक कह जाए। अजैविक एक परिस्थान अजैविक कारक गुड़िक आलोक तापमात्रा जल वायु मृत्तिका निया इत्यादि हूँ कौन अजैविक कारक। आम जानू सबुज उद्भिद माने आलोक शक्ति को खाद्य बा रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन कर सबुज उद्भिद माने कौन करती ना आलोक शक्ति को निजर खाद्य बा रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करिथांती। सही खाद्य उपरे समग्र जीव जगत निर्भरशील एवं सही खाद्य उपरे कौन समग्र जीव जगत निर्भरशील करिथाए। सेमिति आलोकर तीव्रता और अवधि सहित तापमात्रा जल वायु मृत्तिका इत्यादि मिसी एक परिस्थान रे जंगल हेब कि तृणभूमि बा मरुभूमि हेब निर्णय होइथाए। कुहा जाए मनुष्यर प्रथम वैज्ञानिक उद्भावन हैला निया। मनुष्य प्रथम कौन करथिला कौन उद्भावन करथिला ना निया को से उद्भावन करथिला। एहाकु व्यवहार करी मनुष्य ताहार खाद्य पदार्थ को पोड़ी खाइबा सिखिला। प्रथम रु से कौन करथिला ना कंचा मांस खाउथिला एवं निया रे व्यवहार जानिबा द्वारा से कौन कला ना मांस को पोड़ी मांस पदार्थ को कौन कला पोड़ी खाइबा सिखिला। पुणी जंगल रे निया लगाइले निमिषक मध्यरे घंच जंगल रे थिबा परिस्थान पोड़ी पाउंस हो जाए। हजार हजार जातिर उद्भिद और प्राणी ध्वंस पाई जाती। तेणु निया को अजैविक कारक हिसाब रे निया जाए। विभिन्न प्रकार परिस्थान गोटे कुंडरे थिबा एक सप्तफेणी जातिर उद्भिद अन्य एक मल्ली गच्छ लागिथिबा कुंड आण। गोटे कुंडरे कौन कर एक सप्तफेणी जातिर उद्भिद नवा एवं अन्य एक मल्ली गच्छ लागिथिबा गोटे कुंडटे आणिबा। सेमानक माटी उपरिस्थ गच्छर अंश को पॉलीथिन द्वारा बांधि दियो। किछि समय खरारे रखी दियो कौन देखुज ना पॉलीथिन मुणि भितरे छोट छोट जल बिंदु लागिथिबो देखिबो। दुईटी उद्भिद लगी मुणि सामान परिमाण जलबिंदु देखिपार कि
सप्तफेणी जातीय उद्भिदरे कम जलबिंदु लागिथिबा किंतु आदम नथिबो ना सप्तफेणी जातीय उद्भिदरे जमा भी जलबिंदु लागि नथिबो बा कम लागिथिबो कारण मरुभूमि रे रहुथिबा उद्भिद मानक पई जल संरक्षण आवश्यकता थाए सेथिपाई सेमानक पत्र गुड़िक कंटारे रूपांतरित होइथाय सेथिपाई तांक पत्र कोन थाय ना कंटा युक्त होइथाय तुम्हे ता देहरे देखिथिबा पत्र भली मांसल अंश तार रूपांतरित कांड तांक ता जो पत्र देहरे ता देहरे देखिथिबा पत्र भली मांसल अंश होची तार कोन ना रूपांतरित कांड से मध्य जल संरक्षण करिथाय मरुभूमिर उद्भिद मानकर विषयरे जानिला परे कही पारिबो कि अन्य स्थान मानकर प्राणी और उद्भिद किपरि रहंदी केतेक जलरे भी रहंदी माछकु तो देखिछ ताहा हेले कुह माछ जलरे किपरि रही पारे माछर शरीर जलरे रहिबा पई उपयुक्त होइथाय ताहार श्वासक्रिया जलरे संभवपर होइथाय सेथिपई से जलरे बंची पारे किंतु आम पृथ्वी रे रहुतिबा अधिकांश जीव स्थल भाग रे रहंती एहार कारण कोन कहि परिबे कि तेबे परिवेशर अवस्था ओ आवश्यकता आवश्यकीय पदार्थ रे परिमाण को नै परिस्थान साधारणतः दुई भाग रे विभक्त होइछि बा दुई प्रकार होइथाय गोटे होछि स्थलीय परिस्थान आ गोटे होछि जलीय परिस्थान उद्भिद मानकर परिस्थान रे जलर परिमाण अनुसार उद्भिदर जीवन शैली और गठन रे अनेक परिवर्तन देखा जाए जलर परिमाण जेतिक होइथाय बा जलर परिमाण अनुसार उद्भिदर जीवन शैली और गठन रे अनेक परिवर्तन देखा जाए एठारे आलोक तापमात्रा मूर्तिका वायु भली कारक मानक भूमिका गुरुत्वपूर्ण परिस्थान अनुसार उद्भिद माने तीन प्रकार रो यथा मरुज आर्द्रभूमिज जलज मरुज क्या कहबा ना जलाभाव अंचल मरुभूमि भली अंचल उद्भिद को आम कौन कहबा ना मरुज उद्भिद कहबा आर्द्रभूमिज संतसंतिया अंचल बढ़ुवा उद्भिद को कौन कहबा आर्द्रभूमिज बोली कहबा जलज ना जलाधिक अंचल उद्भिद मान जो जल अधिक थाए से ही अंचल रुवा उद्भिद को कौन कहबा ना जलज बोली कहबा प्राणी मानकर परिस्थान उद्भिद मानक परी प्राणी माने परिस्थान अनुसार भिन्न भिन्न थांती कि हाँ थांती निजर आचरण खाद्य जल परिमाण और आलोकर उपलब्धि अनुसार प्राणी को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करगुड़िक स्थलचर जलचर और उभय चर यह प्राणी मानक विभक्त कर स्थलचर प्राणी माने भिन्न भिन्न परिस्थान रे रही थांती जंगल मरुभूमि तृणभूमि पार्वत्यांचल इत्यादि रे सब कोन स्थलचर प्राणी माने रही थांती सेही परी जलचर प्राणी माने नदी ह्रद पोखरी समुद्र इत्यादि रे रही थांती उभयचर प्राणी जल और स्थल भाग रे रहबा पई उपयोजन थाए तुम्हें जानिथिबा भिन्न भिन्न जीव मानकर एक तालिका कर और सेगुड़िक निम्न अनुसार सारणी सजाई लेख परिस्थान और जीव जलचर होची माछ ऑक्टोपस सिंगुड़ी हंस कंकड़ा इत्यादि होची जलचर प्राणी सेमती मरुज ओट साप एंडो मूसा होची मरुज मरुभूमि रही था जंगल रे भालू बाघ हाथी सिंह बिलुआ इत्यादि सब जंगल रे रही था उभयचर होची बेंग कुंभीर साप कईच बेंग इत्यादि सब कौन उभयचर प्राणी अटे जीव और सेमानकर उपयोजन जीव माने जेउठारे बास करंती ओ से स्थान सह खाप खुआई चली थांती जीव माने जेउठारे जेउ जीव बास करथे से स्थान सह से खाप खुआई चली थाए अर्थात से स्थान रो जलवायु मूर्तिका तापमात्रा ओ अन्य जीव मानक सह निजकु मिलाई चलंती से स्थान रो जलवायु मूर्तिका तापमात्रा एवं से स्थान रे रहुथिबा अन्य जीव मानक सह मध्य निजकु मिसेकी चली थांती एहाकु कोन कहजे ना उपयोजन बोली कुहा जाए एहा सेमानक शरीर रो केतेक विशेष गुण भाबे परिलक्षित होइथाय तुम्हें जाना माछ कंकड़ा तिमी पद्म कई जल रे रुहंती सेहि परी काऊ पारा बादुड़ी आकाश रे उड़ी पारंती
ଓଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏବଂ ସପ୍ତଫେଣୀ ପରି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମରୁଭୂମିରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ। ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ, ପଦ୍ମ, କଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କେତେକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବାୟୁ କୋଠରୀ ଥାଏ, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭାସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ। ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଆମେ କହୁ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାସ ଉପଯୋଗୀ କରାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଳରେ ବାସ କରିବାର ଉପଯୋଗୀ କରାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଛର ପକ୍ଷ ପାଣିରେ ପହଁରିବାରେ, ଲାଞ୍ଜ ଦିଗ ବଦଳାଇବାରେ ଓ ଗାଲିସି ଜଳରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ। ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସପ୍ତଫେଣୀ, ନାଗଫେଣୀ, ଖଜୁରୀ ଓ ଖଜୁରୀ ଆଦି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟତଃ ପତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ କଣ୍ଟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତି କମ୍ ଜଳବାୟୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମରୁଜ ପ୍ରାଣୀ। ଓଟ ଏକ ମରୁଜ ପ୍ରାଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଶ୍ୱେତଗ୍ରନ୍ଥି ଆଦୌ ନଥାଏ। ନାକପୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଲୋମ ମରୁଭୂମିରେ ଧୂଳି ବାଲିକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଓଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ମରୁଜ ପ୍ରାଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଶ୍ୱେତଗ୍ରନ୍ଥି ଆଦୌ ନଥାଏ। ନାକପୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଲୋମ ମରୁଭୂମିର ଧୂଳି ବାଲି, ନାକପୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋମ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରୁଭୂମି କ'ଣ ବାଲିରେ ବାଲି ଥାଏ, ସେ ଧୂଳି ବାଲି ତା ନାକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଓଟର ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା ବିହୀନ ମାଂସଳ ପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମରୁବାଲିରେ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ହେଉଛି ଓଟ। ଲତା ଜାତୀୟ ଦୁର୍ବଳ ଉଦ୍ଭିଦ। ତୁମେ କଲରା, କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଦେଖିଥିବ। ସେଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ସହାୟତାରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାଣ୍ଡରେ ଆକର୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କାଣ୍ଡରେ ଆକର୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆକର୍ଷୀ ଲତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପରିସ୍ଥାନ ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଯିବ ଓ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।